हेलो गाइस, सेविंग फंड चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सब कुछ लाइव करके दिखाने वाला हूं कि SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक फिक्स मंथली इनकम कैसे शुरू करनी है और वो पैसा हर महीने सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा सैलरी की तरह। ये नहीं दोस्तों, मंथली इनकम जितने साल तक चाहें आप लेते रहें उसके बाद भी मैच्योरिटी पर एक बड़ा अमाउंट मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने SBI की इस स्कीम में 1,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया मंथली इनकम शुरू करने के लिए। अब उसके बाद हर महीने 5,000 रुपये विड्रॉल करना शुरू करते हैं अपने घर खर्चों को पूरा करने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये 5,000 हर महीने विड्रॉल करने पर भी वो 1,00,000 रुपये आपका लाइफ टाइम तक खत्म नहीं होगा। यानी सीधे सीधा कहें तो लाइफ टाइम तक दोस्तों आपको मंथली इनकम मिलती रहेगी। तो क्या ये पॉसिबल है? तो जवाब है दोस्तों, बिल्कुल 100% ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। जिसे कहते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग पावर, और यही मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में डिटेल में दिखाने वाला हूँ। इस स्कीम को कहते हैं दोस्तों SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब SWP के बारे में आपने जरूर सुना होगा, यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस भी देखी होगी, लेकिन सही जानकारी नहीं मिलने से आज तक आपको समझ में नहीं आया कि SWP कैसे काम करता है और कैसे मंथली इनकम शुरू करनी है। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों को छोड़ते हुए सबसे पहले जानते हैं SWP से सही में पैसा बनता है कि नहीं बनता है, या फिर ये एक बकवास है। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं, उसके बाद ये आप पूरी वीडियो देखना, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दो भाई हैं, रमेश एंड सुरेश, दोनों के पास 10-10 लाख रुपए का अमाउंट था। तो रमेश ने ये कहा कि मैं तो हर महीने 8,500 रुपए की SIP करूंगा 10 लाख रुपए में से। वहीं सुरेश ने दोस्तों अपना 10 लाख रुपए का जो लमसम अमाउंट है वो एक साथ SWP में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो अब 10 साल बाद रमेश का 10 लाख बन चुका है 22,27,000 रुपए, यानी 12,07,000 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। वहीं सुरेश ने SWP की थी 10 लाख रुपए की और उस पर 8,500 रुपए हर महीने निकालना शुरू किया वो, और वो निकाला उसने 10 साल तक, जो कि हर महीने उसके बैंक अकाउंट में आ रहे थे। और आज 10 साल बाद उसके 10 लाख बन चुका है 23,25,000 रुपए, यानी दोस्तों सुरेश को यहाँ पर 13,25,000 का प्रॉफिट हुआ। यानी रमेश को ऐसे भी करके 12,07,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन सुरेश को दोस्तों यहाँ पर मिला 13,25,000 प्रॉफिट प्लस 8,500 रुपये हर महीना 10 साल तक इनकम भी ली। यानी सेम पैसा दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन SWP वाले सुरेश को डबल बेनिफिट मिला, मंथली इनकम प्लस 13,25,000 का अमाउंट भी। चलिए इसको दोस्तों यहाँ पर SWP कैलकुलेटर से समझते हैं। तो हमने भी दोस्तों रमेश एंड सुरेश की तरह SWP में 5,00,000 रुपये का अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दिया और उस पर हमने हर महीने 5,000 रुपये का अमाउंट विड्रॉल करना शुरू किया। यानी हर महीने 5,000 हमारे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, जिस पर हमें दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 14% का। ये 14% कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कैसे होगा। और ये प्रोसेस दोस्तों हमने 15 साल तक किया, तो हर महीने 5,000 विड्रॉल के जरिए टोटल हमको 15 साल में 9,00,000 रुपये का विड्रॉल मिला। उसके बाद भी दोस्तों हमारे पास 7,73,000 का बैलेंस बचत रह गया। लेकिन मैंने कहा था कि दोस्तों मंथली इनकम लेने के बाद भी ये पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 15 साल की जगह टाइम पीरियड हमने 20 साल कर दिया, तो भी दोस्तों 10,68,000 का बैलेंस बचत रहेगा, प्लस 20 साल तक 5,000 रुपये हर महीने बैंक अकाउंट में भी आते रहेंगे। वहीं आप देख सकते हैं 25 साल 30 साल का भी आप देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों 5,00,000 रुपये खत्म होने की बजाय उल्टा यहाँ पर आपका ग्रो कर रहा है, साथ ही फिक्स मंथली इनकम भी मिल रही है। तो ये होता है दोस्तों कंपाउंडिंग का पावर। लेकिन आपका ये पैसा दोस्तों बहुत जल्दी खत्म भी हो सकता है अगर आप एक गलती करेंगे। तो गलती क्या है? तो देखिए, लमसम अमाउंट 5,00,000 इन्वेस्टमेंट किया, 5,000 महीना विड्रॉल की जगह आपने 10,000 महीना विड्रॉल निकाला, तो आपका पैसा 15 साल से पहले यानी कि मात्र 6 साल में ही खत्म हो जाएगा। यानी SWP में असली खेल होता है कि आपको कितना अमाउंट है जो विड्रॉल लगाना है, ताकि लाइफ टाइम तक आपका पैसा खत्म ही ना हो। तो इसके लिए दोस्तों एक्सपर्ट्स ने एक रूल्स बनाया है कि SWP में जो भी लमसम अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस टोटल अमाउंट का मिनिमम 8% या मैक्सिमम 10% ही आपको ईयरली है जो विड्रॉल लगाना है। जैसे 10,00,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो उस पर मिनिमम 8% आपने विड्रॉल लगाया, जो कि होता दोस्तों 10,000, यानी 10,000 की मंथली इनकम मिलना आपको शुरू हो गई। और वो आपने 15 साल तक ऐसा किया, यानी 15 साल तक आपने मंथली इनकम ली, तो उसके बाद भी 10,50,000 रुपये की आपको मैच्योरिटी मिलेगी, यानी डबल बेनिफिट मिला। तो कहने का मतलब दोस्तों, आप 8-10% अगर ईयरली विड्रॉल लगाते हैं तो आपका कॉर्पस है वो कभी खत्म नहीं होगा। चलिए अब जानते हैं दोस्तों SBI के टॉप 3 SWP प्लान के बारे में। इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर दोस्तों ये 3 कैटेगरी समझ लीजिए। कैटेगरी 1 है लो रिस्क लो रिटर्न, कैटेगरी 2 मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न,
और कैटेगरी थर्ड है दोस्तों हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो यहाँ पर आपकी जो रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिटर्न में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है तो रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलता है। बट मान लीजिए कभी मार्केट डाउन जाएगा तो रिटर्न्स भी आपका काफ़ी ज़्यादा डाउन होगा। तो ये दोस्तों टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं। चलिए टॉप 3 SBI SWP फंड में सबसे पहले बात करते हैं लो रिस्क लो रिटर्न की, यानी SBI बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की। ये फंड दोस्तों 30% पैसा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है यानी स्टॉक मार्केट में, और 25% पैसा डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। वहीं 43% पैसा अदर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। यानी दोस्तों ये फंड जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो इक्विटी में एलोकेशन बढ़ा देता है और अपना प्रॉफिट बुक करता है। वहीं मार्केट डाउन जाती है तो इक्विटी से सारा पैसा निकाल कर डेट में डाल देता है। यानी दोस्तों कुल मिला कहने का मतलब बैलेंस बना के रखता है। इससे क्या होता है कि आपका जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर आप यहाँ पर सेक्टर एलोकेशन वाइज देखेंगे तो ये 10% एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, 3% फाइनेंशियल सेक्टर में जैसे बैंकिंग वगैरह में, मेटल्स एंड माइनिंग में भी 3%, ऑटोमोबाइल्स में 2.5%, टेक्नोलॉजी में 2.5%, और अदर सेक्टर में 78% पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। इस फंड के अगर हम फंड साइज की बात करें तो वो 31,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का है, यानी इतने पैसे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए हैं। फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है यानी इसका खर्चा है मेंटेनेंस का, वो 1.58% का है, जबकि एग्जिट लोड 1% है अगर आप एक साल से पहले पैसा रिडीम करते हैं तब। वही फंड का अगर हम ऑल टाइम रिटर्न देखें तो SBI बैलेंस एडवांटेज फंड ने जब से लॉन्च हुआ तब से लेकर 14.5% से ज़्यादा के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है दोस्तों मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। इसमें जो फंड आता वो है SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये फंड 98% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है, बाकी 2% डेट और अदर्स में, और 98% लार्ज कैप की जो टॉप 100 कंपनीज हैं जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T, इंफोसिस, ITC एंड TCS जो बड़े बड़े स्टॉक हैं उनमें पैसे इन्वेस्टमेंट करता है। सेक्टर एलोकेशन में देखें तो 25% फाइनेंशियल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल्स में 13%, कंज्यूमर स्टेबल्स में 9.5%, टेक्नोलॉजी में 8.5%, कंस्ट्रक्शन में 6.5%, और बाकी अदर सेक्टर में 36% इन्वेस्टमेंट करता है। इसका फंड साइज 49,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का है। एक्सपेंस रेशियो 0.81% का है, एग्जिट लोड 1% है, और ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर 16.5% से ज़्यादा के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हाई रिस्क हाई रिटर्न्स। इस कैटेगरी में आते हैं मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, थीमेटिक फंड्स और PSU फंड। दोस्तों ये फंड रिटर्न तो बहुत ज़्यादा देंगे, लाइक लास्ट 1 ईयर में इन फंड्स ने 90% से लेकर 100% के भी रिटर्न दिए हैं, लेकिन ये वेरी हाई रिस्क के फंड होते हैं SWP करने के लिए, क्योंकि मार्केट कभी भी एकदम डाउन जाएगा तो आपका सारा पैसा वहाँ पर है जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं दोस्तों इस कैटेगरी को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। मैंने जो ऊपर 2 कैटेगरी बताई है लो रिस्क लो रिटर्न या फिर मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न, आप उनके अंदर है जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे लेकिन टैक्स कितना देना होगा, तो देखिए अगर आप एक साल से पहले SWP को बंद करके सारा पैसा रिडीम करते हैं तो आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जबकि 1,00,000 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट प्लस एक साल के बाद विड्रॉल करते हैं तो आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। तो मेनली दोस्तों SWP करने से पहले आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला, फंड का जो एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। दूसरा, एक साल से पहले विड्रॉल पर एग्जिट लोड चार्ज नहीं होना चाहिए। और तीसरा, आप कोशिश करें SWP में इन्वेस्टमेंट करने के एक साल बाद ही जो अपना विड्रॉल है वो लेना स्टार्ट करें, ताकि आपका कॉर्पस है वो जल्दी ख़त्म नहीं होगा। तो ये थी दोस्तों SWP की कंप्लीट वीडियो। अब इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर आप हर महीने 400 से 500 रुपये पे करते हैं तो आप अपने लिए दोस्तों 1 करोड़ रुपये का टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। कैसे और कहाँ से मिलेगा तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, या इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही यहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।